श्रीलंका में आर्थिक हालातों से त्रस्त प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को जमकर उत्पात मचाया और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आवास को घेर लिया। खबरें आ रही हैं कि गोटबाया अपने आवास को छोड़कर भाग गए हैं। वहीं कुछ समय पहले जब भारी बवाल के बीच श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दिया था तो उन्हें आगजनी और हिंसक प्रदर्शनकारियों से बचने के लिए परिवार सहित घर छोड़कर भागना पड़ा था। गौरतलब है कि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के भीतर घुस चुके हैं और उस पर कब्जा कर लिया है। वहीं श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने स्थिति पर चर्चा करने और त्वरित समाधान के लिए पार्टी नेताओं की आपात बैठक भी बुलाई है। वहीं स्पीकर से संसद को बुलाने का भी अनुरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी मार्च से ही राजपक्षे का इस्तीफा मांग रहे हैं। बता दें, मई में तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद श्रीलंका जल उठा है। दंगाइयों ने राजपक्षे के पुश्तैनी घर और सांसद व मंत्रियों के घरों में आग लगा दी थी। ऐसे में एक सवाल उठना तो लाजमी है कि कभी सोने की लंका कही जाने वाले श्रीलंका इतने बुरे हालातों में कैसे पहुंच गई? इसके कई कारण हैं। सबसे पहले श्रीलंका की सरकार का एक निर्णय इस संकट का मुख्य कारण माना जा रहा है। दरअसल सरकार ने केमिकल फर्टिलाइजर्स को एक झटके में पूरी तरह से बैन करने और 100% ऑर्गेनिक खेती का निर्णय लागू कर दिया। अचानक हुए इस बदलाव ने श्रीलंका के एग्री सेक्टर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। अब हाल ये हो गए हैं कि देश में चावल और चीनी की भी किल्लत हो गई है। इन सब के ऊपर अनाज की जमाखोरी समस्या को और भी ज्यादा विकराल बना रही है। वहीं श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर के बाद सबसे अहम सेक्टर टूरिज्म है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक टूरिज्म श्रीलंका की जीडीपी में 10% का योगदान देता है। कोरोना महामारी के शुरुआत के बाद से करीब 2 साल बाद ये सेक्टर अब पूरी तरह से तबाह हो गया है। श्रीलंका में सबसे ज्यादा भारत, ब्रिटेन और रूस से टूरिस्ट आते हैं। महामारी के चलते लगी पाबंदियों के कारण टूरिस्ट की आवक बंद हो गई है। अभी बिगड़े हालात में कई देशों ने अपने नागरिकों को श्रीलंका की यात्रा ना करने की सलाह भी दी है, जिसके कारण श्रीलंका की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। वहीं तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि 2019 में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 7.5 मिलियन डॉलर का था, लेकिन महामारी के दंश से ये गिरकर पिछले साल जुलाई में 2.8 बिलियन डॉलर पर आ गया। विदेशी मुद्रा की कमी से कनाडा जैसे कई देशों ने फिलहाल श्रीलंका में निवेश करना बंद कर दिया है। चौथा कारण सबसे मुख्य है, वो है विदेशी कर्ज। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 में श्रीलंका को 7 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है। अकेला चीन ही श्रीलंका पर 5 अरब डॉलर का कर्ज दिए बैठा है। श्रीलंका पर भारत और जापान का भी काफी कर्ज है। श्रीलंका को आयात के लिए महंगा डॉलर खरीदना पड़ रहा है, इससे वो और अधिक कर्ज में डूबता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन से श्रीलंका अब फिर 2.5 अरब डॉलर का कर्ज लेने की तैयारी कर रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग भी श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था की हालत को और खराब कर रही है। दरअसल रूस श्रीलंका की चाय का सबसे बड़ा आयातक है। रूस और यूक्रेन से बड़ी तादाद में श्रीलंका में पर्यटक आते हैं। रूबल की गिरती कीमत, जंग और रूस यूक्रेन की ओर से चाय की घटती खरीद की वजह से इसकी अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर श्रीलंका में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लोगों के पास खाने और पीने के सामानों का अभाव हो गया है। वहीं अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से चरमरा गई है। आवश्यक वस्तुएं सेना की मौजूदगी में वितरित की जा रही हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सभी देशों की नजरें श्रीलंका पर टिकी हुई हैं कि किस तरह से श्रीलंका अब तक की सबसे बड़े आपात से पार पाता है। इस स्टोरी में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।